हमारे सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम में अनेकों ग्रह हैं, लेकिन क्या पृथ्वी के अलावा औरों भी ग्रहों में जीवन है या नहीं, इसकी खोज हम आज भी लगातार कर रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि एलन मस्क द्वारा एक कार मंगल ग्रह पर रिसर्च के लिए भेजी जा चुकी, ठीक उसी तरह और भी रिसर्चरों की माने तो हमारे जैसे प्राणी और भी ग्रहों पर हो सकते हैं, जिनका जिक्र हम हमेशा कई हॉलीवुड मूवीज में करते रहते हैं, जिन्हें हम परग्रही या एलियंस भी बोलते हैं। सीएनएन के एक इंटरव्यू में हेलेन शेरमैन नाम की एक एस्ट्रोनॉट ने यह बोला था कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस सौर मंडल में कहीं ना कहीं जिंदगी जरूर है, और हो सकता है वो बिल्कुल हमारी तरह ही दिखते हों, या हो सकता है वो कार्बन और नाइट्रोजन के बने हुए हों। और जब जब एलियन को देखने या उनकी एग्जिस्टेंस की बात होती है तो हमारे जहन में एक जगह का नाम जरूर आता है, जो लगातार आज भी इन्हीं वजह से चर्चा में बना रहता है। जी हाँ, टेक्टेल्स के इस एपिसोड में आज हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका की सबसे विवादित क्षेत्र एरिया 51 की। एक समय था जब अमेरिका ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद से सब बदल गया। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा उपयोग किए गए हथियारों से सब आश्चर्यचकित हो गए थे। सब परेशान हो गए थे कि अमेरिका के पास इतने आधुनिक हथियार आए कैसे। और यही नहीं, 1955 से ही यह अति गोपनीय सैनिक ठिकाना नेवादा के साउथ के दूर दराज के इलाकों में फैला हुआ था। इसकी जानकारी काफी सीक्रेट थी, और यहाँ अमेरिका की वायुसेना कई तरीके के नए नए आविष्कार करती थी, चाहे वो स्पाई प्लेन U-2 हो या लादेन को मारने के लिए पाकिस्तान में घुसने वाला ब्लैक ऑप्स हेलीकॉप्टर। ये खबर हमेशा फैलती रही कि एरिया 51 में एलियंस है और उनका UFO भी है, जहाँ पर अमेरिका सीक्रेट तरीके से उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसकी टेक्नोलॉजीज को जानने में लगा हुआ था। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि एरिया 51 लोगों के सामने आया कैसे। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले 1989 में रॉबर्ट लॉजर ने यह दावा किया कि उन्होंने एरिया 51 के अंदर कई अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे काम किया है, और यह भी बताया कि उन्होंने वहां पर एलियंस के अटॉप्सी की फोटोज भी देखी, जिसका अमेरिकी सरकार द्वारा एक्सपेरिमेंट भी किया गया है, और वहां UFO होने का दावा भी किया। हालांकि रॉबर्ट खुद बदनाम था, लेकिन उसके दावों ने कई गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दिया। उसके बाद से कई लोगों ने नेवादा के पास UFO देखे जाने की पुष्टि भी की। बाद में 25 जून 2013 को CIA ने U2 के कार्यक्रम के डॉक्यूमेंट्स को जारी करने की मंजूरी दे दी। इन डॉक्यूमेंट्स को फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट FOIA के अनुरोध पर 2005 में अमेरिकी इंटेलिजेंस हिस्टोरियन जेफरी टी रिचर्डसन द्वारा जारी किया गया। इन दस्तावेजों के जारी होने से पहली बार अमेरिकी गवर्नमेंट ने औपचारिक रूप से एरिया 51 के अस्तित्व को स्वीकार किया। लोगों का मानना है कि अमेरिका के पूर्व में डेल्टन ओहियो नाम की एक जगह है, जहां पर पहली बार वायुयान के प्रयोग भी हुए थे, और आज वहां पर मौजूद है राइट पेटेंशन एयरबेस, अमेरिकी वायुसेना का एक सबसे बड़ा ठिकाना जिससे काफी सरकारी मदद भी मिलती है। कुछ रिसर्चर मानते हैं कि राइट पेटेंशन कई दशकों से एलियन की जांच पड़ताल और उससे जुड़े प्रयोगों का केंद्र रहा है। 14 जून 1947 को एक अनजान यान रूजवेल्ट शहर के बाहरी इलाकों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वहां पर मौजूद लोगों का कहना था कि वह एक UFO था, और उसके मलबे से जो लाशें मिली थी वो इस दुनिया की जीवों की बिल्कुल भी नहीं लगती थी। कुछ दिनों में इस घटना ने लाखों लोगों का ध्यान खींचा, और जहां अमेरिका की दिलचस्पी UFO में पड़ी, वहीं सरकार इसको छिपाने की कोशिश भी करने लगा। रूजवेल न्यूज ने एक प्रेस रिलीज जारी किया, लेकिन कुछ ही घंटों में वो अपने बयान से पलट गया और बोला कि वो असल में एक वेदर बलून था, न कि एक UFO। रिसर्च से यह बात पता चली कि उसके अवशेषों को राइट पेटेंशन में लाया गया, और जाहिर सी बात है कि एयरबेस में किसी वाटर बलून की तो जांच होगी नहीं, तो यह कहा जा सकता है कि आज भी राइट पेटेंशन में उन UFO की रिवर्स इंजीनियरिंग और एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। कुछ लोग जो एरिया 51 में काम करते हुए वहाँ एलियंस के होने का दावा किए थे, वो कहते हैं कि एलियंस देखने में बिल्कुल हमारी तरह थे, बस उनके सिर का आकार बहुत बड़ा था, और वो एलियन एक दूसरे से टेलीपैथी बात करने के लिए यूज करते थे। और आज 2020 में एलन मस्क ने भी एक ऐसी डिवाइस बनाने की बात की है जिसके द्वारा दूसरे व्यक्ति से मन से बात की जा सकती है। इन्हीं सब दावों से हम एलियन की इस दुनिया में होने की पुष्टि कर सकते हैं, और यह भी कह सकते हैं कि अमेरिका के एरिया 51 में एलियन का अस्तित्व है और उनके टेक्नोलॉजीज को रिवर्स इंजीनियरिंग भी किया जा रहा है। एरिया 51 के अस्तित्व के बाहर आने के बाद एक सवाल हमेशा हमारे मन में रहा है कि क्यों दशकों तक इस राज को छुपाए जाने के बाद भी अमेरिका ने इस गोपनीय ठिकाने का खुलासा किया। क्या यह हो सकता है कि सारे गोपनीय एक्सपेरिमेंट जहां एरिया 51 पर होते थे, उसे एरिया 51 जैसे किसी और ठिकाने पर भेज दिया गया है, और एरिया 51 की तरह हो सकता है कई और एरिया भी बने हों, जैसे एरिया 52, 53 और 54। आप हमें अपना जवाब नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी टेक्नोलॉजी से जुड़े और रोचक जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल VTV को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें नए नोटिफिकेशन पाने के लिए।